नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सीवीसी, आरबीआई के सदस्यगण, भारत सरकार के सचिवगण, सीबीआई के अधिकारीगण, राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सीआईडी टीमों के मुखिया, बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकगण और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी महानुभाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के आयोजन के लिए सीबीआई टीम को मैं बधाई देता हूं। आज से विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सरदार साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आर्किटेक्ट भी थे। देश के पहले गृहमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवीय के लिए हो, जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। आप सभी को याद होगा, हजारों करोड़ के घोटाले, शेल कंपनियों का जाल, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स चोरी, ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा। साथियों, 2014 में जब देश ने एक बड़े परिवर्तन का फैसला लिया, जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था इस माहौल को बदलना। ऐसे क्या देश ऐसे ही चलेगा? देश में ऐसे ही होता रहेगा? इस सोच को बदलना शपथ ग्रहण के बाद इस सरकार के पहले दो तीन आदेशों में काले धन के खिलाफ कमेटी बनाने का भी फैसला शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस कमेटी का गठन लटका हुआ था। इस फैसले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट दिखा दिया। बीते वर्षों में देश इसी तरह करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। वर्ष 2014 से अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। हमारा ध्येय है कि हम भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति वाले देशों में लेकर जाएं। लेकिन साथियों, विकास के लिए जरूरी है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो।
जनता के प्रति जवाबदेह हों। इन सभी व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है और सबसे अहम देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व नहीं बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी हिस्सा ले रही हैं। एक तरह से इन तीन दिनों तक लगभग वो सभी एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी जिनकी सतर्क भारत समृद्ध भारत में बहुत बड़ी भूमिका है। ये तीन दिन हमारे लिए एक अवसर की तरह है क्योंकि करप्शन अपने आप में एक स्टैंड अलोन चैलेंज नहीं है। जब देश का प्रश्न आता है तो विजिलेंस का दायरा बहुत व्यापक होता है। करप्शन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ड्रग्स का नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो, कई बार देखा गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसलिए हमें करप्शन के खिलाफ सिस्टमेटिक चेक्स, इफेक्टिव ऑडिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे काम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना ही होगा। सभी एजेंसियों के बीच एक सिनर्जी, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट आज समय की मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्फ्रेंस इसके लिए इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगी और सतर्क भारत समृद्ध भारत के नए मार्ग भी सुझाएगी। साथियों, 2016 में विजिलेंस अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि गरीबी से लड़ रहे हमारे देश में करप्शन के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। करप्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है। ईमानदार व्यक्ति को परेशानी आती है। आपने देखा है कि दशकों से हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं।
आज ये वर्ग के साथ कहा जा सकता है और हम गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ के घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। आज हमें संतोष है कि देश के इंस्टीट्यूशंस में आम जन का भरोसा फिर से बढ़ा है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। साथियों, सरकार का इस बात पर बहुत ज्यादा जोर है कि न ही सरकार का दबाव हो और न ही सरकार का अभाव। सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। लोग सरकार का दबाव भी महसूस न करें और उन्हें सरकार का अभाव भी महसूस न हो। इसलिए बीते वर्षों में 1500 से ज्यादा कानून खत्म किए गए हैं, अनेकों नियमों को सरल किया गया है। पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, पानी का बिल भरना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, बैंक से लोन हो, पासपोर्ट बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, किसी तरह सरकार की मदद हो, कोई नई कंपनी खोलनी है, अब उसे दूसरों के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता, घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अब यही काम करने के लिए उसके पास डिजिटल विकल्प मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहते हैं प्रक्षालनादि पंकश्य दुरात स्पर्शनम वरम, अर्थात गंदगी लग जाए फिर उसे साफ करो, इससे अच्छा है कि गंदगी लगने ही न दे। पुनिटिव विजिलेंस से बेहतर है कि प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम किया जाए। जिन परिस्थितियों की वजह से भ्रष्टाचार पनपता है उन पर प्रहार आवश्यक है। हम सब जानते हैं एक दौर में ऊंचे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग का कितना बड़ा खेल होता था, एक अलग ही इंडस्ट्री चलती थी। साथियों, कौटिल्य ने कहा था न बक्षयन्ति ये परथान न्यायतो वर्धयन्ति च, नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रिय हिते रताः। यानी जो शासकीय धन नहीं हड़पते बल्कि उचित विधि से उसकी वृद्धि करते हैं, राजहित में लगे रहने वाले ऐसे राजकर्मियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ साल पहले ये बात एक तरह से भुला दी गई थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी देश ने देखा है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। अब ऊंचे पदों पर नियुक्तियों में सिफारिशों का यहां वहां से दबाव बनाने का दौर समाप्त हो गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी में, जैसा अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, नौकरियों के लिए इंटरव्यू की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यानी जब गुंजाइश खत्म हो गई तो कई तरह के खेल भी खत्म हो गए। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन के साथ ही बैंकों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। साथियों, देश के विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी
कई कानूनी सुधार किए गए, नए कानून लाए गए हैं। ब्लैक मनी और बेनामी संपत्तियों पर देश ने जो कानून बनाए हैं, जो कदम उठाए हैं, आज उनका उदाहरण दुनिया के और देशों में दिया जा रहा है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के माध्यम से भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही में बहुत मदद मिली है। आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां फेसलेस टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता रही है कि विजिलेंस से जुड़ी एजेंसियों को बेहतर टेक्नोलॉजी मुहैया कराया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके पास लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट हो ताकि वो और प्रभावी रूप से काम कर सके, नतीजे दे सके। साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें यह भी याद रखना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक दिन या सिर्फ एक सप्ताह की जंग नहीं है। इस संदर्भ में आज मैं आपके सामने एक और बड़ी चुनौती का जिक्र करने जा रहा हूं। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकरार रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। साथियों, बीते दशकों में हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। उसे दिखता है कि जब घर में ही करोड़ों रुपये काला धन कमाने वाले, उनका कुछ नहीं हुआ या फिर थोड़ी सी सजा पाकर वो छूट गया तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। इस वजह से कई राज्यों में तो ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी केस में ढिलाई सिर्फ उसी केस तक सीमित नहीं रहती, वो एक चेन बनाती है, नींव बनाती है, भविष्य के भ्रष्टाचार के लिए, भविष्य के घोटालों के लिए। जब उचित कार्रवाई नहीं होती तो समाज में, मीडिया में इसे अपराध का दर्जा मिलना कम हो जाता है। लोगों के एक बड़े वर्ग को पता होता है, मीडिया को पता होता है कि सामने वाले ने हजारों करोड़ रुपया गलत तरीके से कमाए हैं, लेकिन वो भी इसे सहजता से लेने लगते हैं। ये स्थिति देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये समृद्ध भारत के सामने, आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप कल्पना कीजिए कि हम में से कोई पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम देखता है और पैसों के मोह में कहीं कोई ब्रिज बन रहा है तो लापरवाही बरती, कुछ रुपये ऐंठ लिए, कुछ रुपये अपने साथियों को बांट दिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लगता है चलो भाई तुम्हारा भी भला मेरा भी भला,
और बिल्कुल ऐसे उद्घाटन करने के लिए अच्छा दिखे ऐसा ब्रिज बना दिया, पैसे घर ले चला गया, रिटायर भी हो गया, पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन सोच लो कि एक दिन आपका जवान बेटा उस ब्रिज पर से गुजर रहा है और उसी समय वो ब्रिज गिर गया, तब आपको समझ आएगा कि मैंने तो करप्शन मेरे लिए किया था, लेकिन कितनों की जिंदगी जा सकती है। और जब खुद का बेटा चला जाए तो पता चलता है कि उस ब्रिज में ईमानदारी की होती तो आज अपना इकलौता जवान बेटा खोना न पड़ता। ये इतना प्रभाव पैदा करता है भ्रष्टाचार। इस स्थिति को बदलने का दायित्व हम सभी पर भी है, आप पर जरा ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आपको एक और बात पर ध्यान देना है। भ्रष्टाचार की खबर तो मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, समय पर होती है, तो हमें ऐसे उदाहरण को भी प्रमुखता से रखना चाहिए। इससे समाज का व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचारियों में एक संदेश भी जाता है कि बचना मुश्किल है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से भी ये अपील करता हूं कि भारत बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो हमेशा की तरह भारत को मजबूत करते रहे, भ्रष्टाचार को परास्त करते रहे। मुझे भरोसा है ऐसा करके हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों का भारत बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।